लोड शेडिंग के सताए अवाम तो सड़कों पर थे ही, अब सूबे के वजीर अला भी उनसे यकजहती के लिए अपने दफ्तर से निकलकर एहतजाजी कैंप में जा बैठे हैं। मियां शहबाज शरीफ ने मीनारे पाकिस्तान में खैमा दफ्तर लगाया और मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की। सूबाई सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी इतलात, कमिश्नर DCO लाहौर समेत दीगर महकमों और तरक्याती इदारों के सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा की तवानाई बहरान ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। खुदा के लिए सरकारी इमलाक को ना, आप ये आपकी इमलाक हैं। मैं हर हद पार करूंगा इंशाल्लाह अपने आवाम के साथ, अपने टीचर, नर्स, बेवा, यतीम, मजदूर और सरमायाकार, मैं उनके साथ हूँ। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्ला ने भी इस मौके पर वफाक को आड़े हाथों लिया। अगर आज ही शाम को पूरे पाकिस्तान में यकसा जो है वो लोड शेडिंग हो जाए तो हम तो कोई प्रोटेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम तो नहीं चाहते कि हम ये प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये तो मजबूरी है। दिन भर इजलासों के बाद मियां शहबाज शरीफ ने वफाक के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि पंजाब में दो छुट्टियों का मुतालबा करने वाले पहले सारे मुल्क में लोड शेडिंग का यकसा निजाम लाएं, उसके बाद तजावीज पर गौर करेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान यूनुस के साथ मोहम्मद इदरीस, सिटी 42।